जिंदाबाद, राम रक्षा दल जिंदाबाद। बंधुओं, आज से मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि हमारे जयनगर से चल करके प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव की, जो हमारे क्राइम सस्पेंस से जुड़े हुए हैं, क्राइम सस्पेंस के ब्यूरो चीफ भी है, और वो जयनगर से चल करके वह जो धरना स्थल पर जो आए हुए हैं, तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए मैं प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव जी को इस पवित्र भूमि पर मैं उनका पहले मैं स्वागत करता हूं, और यह स्वागत योग्य है। आज 61 दिन यह गांधीवादी आंदोलन का होने जा रहा है, और इस गांधीवादी आंदोलन को कोई जति धार तोड़ने का काम किया है, उनका नाम है प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव जी। तो मैं एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते मैं इस ध्वनि विस्तारण यंत्र के माध्यम से आज हम फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है। एक मेरा जयनगर में आंदोलन हुआ था, जयनगर अनुमंडलीय हॉस्पिटल का, उस समय भी उनका जिस प्रकार से हमें शुभकामना और आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो हमारे हृदय में है। मैं तो यहां तक नेतृत्वकर्ता के हैसियत से मैं आज ऐलान करते हूं, इस जंग को जीतने के बाद प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव जी को जयनगर की पवित्र भूमि पर ग्राम रक्षा दल के बैनर तले भव्य सम्मान समारोह करके इन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। आज हम इस पवित्र स्थल पर प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव जी को माला पहना करके मैं इनका वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। एक बार ताली बजा करके आप जोरदार तरीके से जगदीश बाबू को आप स्वागत कीजिए। सरकार वो गरीबों की आवाज को, जनता की आवाज को वो जिस प्रकार उठा करके उच्च अधिकारी और संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वह बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो जगदीश बाबू, आप जयनगर के पवित्र धरती के लाल हैं, और जयनगर मेरा भी गृह प्रखंड है, और आप वहां से चल करके हमें जो ताकत देने के लिए आए हैं, हमें जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमें मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं, आप इस चैनल के माध्यम से, चूंकि यह यादगार रहेगा, मैं चक्रवृद्धि ब्याज सहित मैं जयनगर की भूमि पर एक भव्य सम्मान समारोह करके आपको चुकता करने का काम हम करेंगे। हम तो आंदोलन को जीत गए, हम पूरे पूरे होशो हवास में मैं बोल रहा हूँ, ये जंग जगदीश प्रसाद यादव जी के आने के बाद और हमारे इतने बड़े ओहदे पर जो हमारे LIC के
दिलीप बाबू वो जयनगर में कभी पदाधिकारी हुआ करते थे, आज पूरे धार देने के लिए आए हैं। मित्रों ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए दिलीप बाबू के नाम पर एक जोरदार तरीके से ताली हो जाए। तो आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, इसीलिए जगदीश बाबू आप आए हमारे मनोबल को बढ़ाए। आपको सब जानता है क्योंकि आपका चर्चा यहाँ बैठ करके प्रत्येक दिन घंटों आपका जो है जो प्रसारण होता है वो सब आदमी देख करके आपको सब जान रहा है। इसीलिए आप ग्राम रक्षा दल के जवानों के बीच में आप पर्चे का मोहताज नहीं है। तो एक बार जोरदार तरीके से जगदीश बाबू के नाम पर ताली बजाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि जो हमारे गार्जियन कहिए चाहे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहिए चाहे जयनगर के पवित्र भूमि के धरती के लाल कहिए, वो हमारे आन है पान है और जगदीश बाबू जयनगर का एक शान है। तो आज हमको जो शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हम चाहेंगे कि अपने शब्दों में वो शब्द कह करके हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम करें। प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रसाद जी आपने पटना की धरती पर मुझे सम्मानित किया, इस लायक मुझे समझा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता तो मेरा शौक रहा है और जब जब आपने जनता की आवाज को उठाया है मैं उसको दिखलाया हूँ, पब्लिक को दिखलाया हूँ। मैं बगैर किसी पक्षपात के हुए अपनी मतलब अंदर की इंटरेस्ट को जगाते हुए समाचार को हमने दिखाने का कोशिश किया है और अधिकारी को कहिए या जनता को कहिए दोनों के बीच में हमने पक्ष रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम रक्षा दल के जितने भी भाई बंधु है सबों को हमारी शुभकामना है और हमारा प्रयास होगा कि सच सरकार को हम दिखलाएं, पब्लिक को दिखलाएं ताकि आपकी मांग पूरी होने में यह हमारा समाचार चैनल आपकी मदद करे। हम भली भांति जानते भी है और हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेरा आंदोलन सफल हो गया। जीतने वाला भी चाहिए है, हराता कहाँ है।